हाँ भाई, बहुत ही समझदार इंटेलिजेंट स्टूडेंट रहे, अच्छा जो कुछ भी सिखाया अच्छे से अच्छा सीख लिया और बहुत अच्छे से काम किया। तो आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। क्या क्या सीखा? झाड़ू सीख ली, ब्रेफ्टी बेलनी सीख ली, बनानी सीख ली और पोचा मारना सीखो। चल सारा काम सीख। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आज मौसम बारिश का हो रहा है और बारिश आने से पहले हमेशा एक बहुत ज़रूरी काम मुझे करना होता है, जो इस बार मैं नहीं कर पा रही। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की और ये करने के लिए फिर तैयार हो गया काफ़ी मनाने के बाद, क्योंकि मेरे ख्याल से लाइफ में पहली बार ये ऐसा काम कर रहे हैं। तो इनके काम को देखते हुए मुझे पता है कुछ लोग इनका मजाक उड़ाएंगे, कुछ मोटिवेट भी हो सकते हैं। सबकी अपनी अपनी सोच है, अपना अपना नज़रिया है, लेकिन मैं कहती हूँ कि हाँ, हमारी लाइफ का ये बहुत ही अच्छा फेज चल रहा है। मेरा बीमार होना भी एक तरह से अच्छा ही है, क्योंकि इन्होंने इतना कुछ सीखा है इस टाइम में, जो शायद बहुत ही अच्छा रहेगा इनके लिए भी। क्योंकि कहते हैं ना, जो जो मतलब हमारी आयु बढ़ती है, हम दो तरीके से पत्ते निकाल दो होते हैं, एक होता है बूढ़ा होना और एक होता है बुजुर्ग होना। तो बुजुर्ग और बूढ़े में पता है क्या फर्क होता है? जो बूढ़ा इंसान होता है वो अपनी आयु से बूढ़ा होता है, और आयु से बूढ़े होने वाले हमेशा अपने आप को सर्वोपरि मानते हैं कि जो हमने किया बस वो ही अच्छा होता है, वो ही ठीक है। और जो सही मायने में बुज़ुर्ग होते हैं ना, उन्हें जो समय के जो थपेड़े होते हैं वो उन्हें इतना कुछ सिखा देते हैं कि पूरी एक लाइब्रेरी बन जाते हैं। उन्हें पता होता है कि कहाँ पे किसी की स्थिति परिस्थिति को देखकर किस प्रकार से उसे व्यवहार करना है, कहाँ कितना क्या बोलना है। देखो आज बिल्कुल मेरी तरह साफ कर लिया आपने। आप बारिश आएगी, भगवान जी खुश हो गए आपसे। पहली बार ऐसी सफाई की है ना आपने? ये जरूरी था बारिश से पहले। तो मेरी सोच यही है कि हम बूढ़े ना होने के बजाय बुजुर्ग बने। कितनी खरपतवार कहते हैं ना, बुजुर्गों की छत्रछाया बहुत ही अच्छी होती है। तो ये हमारा एक लाइफ लेसन था, काफ़ी काम आएगा शायद। और देखिए भगवान जी खुश हो गए, बारिश की बौछारें आ चुकी हैं, हमारी छत कितनी साफ हो गई। मुझे काफ़ी प्राउड फील हो रहा था कि इन्होंने इतने इतने अच्छे से साफ किया, इसकी मुझे कोई उम्मीद भी नहीं थी। ये बच्चे भी कितने खुश हो रहे हैं। और मेरे प्लांट्स, इनको पता नहीं था कौन से प्लांट में कितना पानी देना है, फिर भी ठीक ठाक इन्होंने देखभाल की मेरी एब्सेंस में। तो बारिश आने पे कुल मिला के अच्छा हो जाओ। और देखिए बच्चे भी कितने खुश हो गए हैं, आराम से यहाँ पे खेल रहे हैं। मौसम काफ़ी सुहावना है। तो बारिश आने के बाद ये जो हमारा टेरेस गार्डन है, छोटा सा, काफ़ी खिलखिला उठेगा। और लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि किसी भी काम में कोई शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए कि हाँ ये जेंट्स करेगी या लेडी करेगी, हर काम में प्राउड फील करना चाहिए बस।